हे एवरीवन वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम आपको एक चीज दिखाएंगे मुझे बहुत सालों के बाद यहाँ पे मिला है मैं बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है इस साइड में तो सिर्फ दिवाली में मिलता है तो आज मैंने कम कम से कम चौदह साल के बाद खा रही हूँ तो इसको खोई बोलते हैं ज्यादातर दिवाली में मिलते हैं तो हम लोग के साइड में आपको रेगुलर मिलते हैं शॉप में कहीं पे भी आप शॉप में चले जाओ ये इजीली आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे इसका किलो वन ट्वेंटी रुपीज़ करके लिया है मैंने दो किलो लाई हूँ तो एक किलो ही मैं मुझे साफ़ करने में एकदम हालत ख़राब हो रहा है इसमें इतना धान है बहुत ज़्यादा छोटा छोटा आप क्या बोलते हो इसको पता नहीं ये धान मैं बोलती हूँ इसको ये एक जैसा है ना इतना छोटा छोटा इसको आपको साफ करना पड़ रहा है देखिए ये लगा हुआ है खोई में लगा हुआ है तो इसको एक एक करके निकालना है और कम से कम मैंने अभी एक किलो लेके बैठी हूँ चुनने के लिए मुझे थर्टी मिनट्स लग चुका है अभी भी क्लीन नहीं हुआ है पूरा और बहुत ही ज़्यादा धान निकल रहा है इससे छोटा छोटा बैच में क्लीन कर रही हूँ क्योंकि एक साथ नहीं कर सकती हूँ और मैंने बहुत साल हो गया मैं हैदराबाद में चौदह साल से हूँ तब से मैंने नहीं खाई ये वाला चीज़ तो आज मुझे मिला तो इमिडिएटली मैंने दो किलो ले तो लिया है मगर साफ कैसे करूँ मैं सोच के भी मैं डर रही हूँ क्योंकि एक घंटा हो चुका है मैंने अस्सी ग्राम जैसे मैंने साफ कर लिया ये एक किलो है और एक किलो अंदर रखा हुआ है पहले इसको साफ़ कर लूँ आप देख सकते हो इतना ज़्यादा निकला है धान इसमें से और अभी भी हाफ किलो मैंने क्लीन किया है तो जितना मैंने क्लीन किया उतना ही मैं अभी इसको गुड़ से बना लूँगी और बाकी मैं बाद में क्लीन करूँगी और ये मेरा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है अगर छोटे छोटे भूख लगे ना आप ये खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी है तो मैंने ये इतना अभी बंद करके रख दूँगी तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ गुड़ लिया है मैंने गुड़ में मैंने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया जस्ट गुड़ को कैरमलाइज कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से इसको भूनना है मुझे लिक्विड होने तक अच्छे तरीके से भूनना है थोड़ा सा मैं सॉफ़्ट ऐड कर रही हूँ इसमें अगर आपको पसंद है आप सॉफ़्ट ऐड कर सकते हो नहीं होने से आप मत ऐड करो मैं दो बैच बनाऊँगी एक बैच में मैं सॉफ़ ऐड करूँगी और थोड़ा सा गुड़ से मैं बनाऊंगी और दूसरा मैं लड्डू बनाऊंगा इसकी जो लड्डू है ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में आपको दिन में कभी भी भूख लगे तो आप ये लड्डू खा सकते हो और ठंडे के दिन में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो आप देख सकते हो ये क्लीन हो चुका है तो अभी मैं चेक करूँगी गुड़ हुआ या नहीं अभी पानी में दो तीन ड्रॉप मैंने गुरका डाल दिया और फिर मैं राउंड करने की कोशिश करूँगी अगर ये पानी में इजीली आप उठा कर राउंड कर सकते हो उसका मतलब आपका गुर बन चुका है आप इसमें डाल सकते हो खई तो अभी मैं खोई डालूँगी और फिर इसको आपको को बंद कर दूँगी इमिडिएटली नहीं उनसे ये गुड़ जल जाएगा ऑलरेडी बन चुका है गुड़ तो अभी इसमें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके के मिक्स करना मुझे सब खोई में गुड़ लगना चाहिए एक एक खोई में सब खोई में मैंने गुड़ लगा लिया है आप देख सकते हो हर एक खोई में थोड़ा थोड़ा गुड़ लगा हुआ ये ज्यादा मीठा नहीं होगा थोड़ा थोड़ा मीठा होगा इसमें खाने के लिए ये चाय के साथ अच्छा लगता है या दूध के साथ भी आप खा सकते हो आप ठंडा दूध या गर्म दूध ले लो और फिर सिप करते रहो ये ये साथ में खाते रहो ये मुझे बहुत पसंद है छोटे टाइम में हम लोग बहुत खाते थे ये तो अभी मैं बॉक्स में डाल के रख रही हूँ डब्बे ग्लास के बॉटल या बॉक्स में मैं ऐसे करके सबको सेट कर रही हूँ और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ इमिडिएटली आप कढ़ाई से उठा लीजिए नहीं होने से कढ़ाई में चिपक जाएगा तो मैं सब निकाल दिया है अभी तो नेक्स्ट बैच बनाऊँगी नेक्स्ट बैच के लिए मैं थोड़ा सा गुड़ ले लिया और ये ये थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा है आ, क्योंकि इस गुड़ में मुझे लड्डू बनाना है इसलिए मैं थोड़ा सा खोई इसमें ऐड करूँगी ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी आप देख सकते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी का खोई मैंने यहाँ पर ऐड किया है इमीडिएटली खोई ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से कोट कर लेना ये ये लड्डू बनाना है इसलिए इसमें खोई कम डालना है गुड़ ज़्यादा होना चाहिए तो मैं इमीडिएटली डालने के बाद गैस को ऑफ कर दूंगी फ्लेम और फिर हम लोग इसका लड्डू बनाएंगे पहले आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से धो लेना है क्योंकि अगर नहीं धोगे पानी नहीं रहेगा हाथ में तो ये गरम गरम खोई हाथ में चिपक जाएगा तो हम लोग पहले हाथ को धो लेंगे और और भिगा ही हाथ से आपको लड्डू बनाना है तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग लड्डू बनाना ये लड्डू बनाना बहुत ही ईजी है मगर थोड़ा सा गर्म रहता है वो आपको ध्यान में रखना है मैंने एक प्लेट में निकाल दिया हाथ को भिगा लिया है अच्छी तरीके से फिर छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे आप जितना जल्दी बॉल्स बना सकते उतना अच्छा नहीं होने से ये ड्राई हो जाएगा जैसे आपको फील हो कि हाथ में चिपक रहा है फिर से आप हाथ को धो लेना है और फिर से लड्डू बनाना है कंटिन्यू मैं सब लड्डू बना रही हूँ आप कैसे बनाते हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना तो मैं भी ट्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए इसको फ़ैन के नीचे रख देंगे और ये ड्राई हो जाएगा तो अभी लड्डू हो चुका है कंप्लीट बन के तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए ऐसे ही मैं और वीडियो लाऊंगी चलते हैं आज के लिए बाय बाय सी यू टुमारो